स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हथियार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रयास में भारतीय सेना ने भारतीय कंपनियों से 400 हॉविट्जर तोपें खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोट गन सिस्टम का उत्पादन करने के लिए भारतीय उद्योग की विशेषता का उपयोग करना चाह रही है। इस दौरान भारतीय सेना अब 155 मिलीमीटर के तोपों पर फोकस कर रही है, जिनमें धनुष, शारंग, अल्ट्रालाइट हॉविट्जर, K9 ब्रज टैंक भी शामिल होंगे। आज हम आपको इन 5 खास मेड इन इंडिया तोपों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले M46 शारंग, ये एक फील्ड गन है। इसके दो वेरिएंट्स हैं, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। भारत के पास ऐसे 1100 फील्ड गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है, आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड, बर्स्ट मोड पर 8 और सनसेट मोड पर 5 राउंड। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके गोले की रेंज 27.5 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक है। इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर। ये तोप 155 मिलीमीटर की है। भारत के पास ये तोप 110 से ज्यादा है। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। ये तोप 1 मिनट में 7 गोले दागती है। गोले की रेंज अलग अलग कोण पर 24 से 40 किलोमीटर है। गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। ये चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात किया गया है। इसका वजन 4200 किलोग्राम है, लंबाई 35 फीट है। इसके बेरल यानी नली की लंबाई 16.7 फीट है। इसकी मदद से 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं AT-AGS गन के बारे में। 155 मिलीमीटर की ये गन भारतीय सेना के पास फिलहाल 7 है। साल 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। फिलहाल 40 तोपों का ऑर्डर किया हुआ है। इसके अलावा 150 और तोपे बननी बाकी है। इसे चलाने के लिए करीब 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड ये गन फायर करती है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाकर 52 करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं K9 ब्रज टी टैंक के बारे में। K9 ब्रज टी टैंक 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है और इसके अलावा और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है और ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। आखिरी में बात करते हैं धनुष के बारे में। 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर टोट होविट्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है। 114 का ऑर्डर दे दिया गया है, जिनकी संख्या अंत तक बढ़कर 414 की जा सकती है। अब तक ऐसे 84 धनुष बनाए जा चुके हैं। धनुष को चलाने के लिए 6 से 8 कुक्री की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेंड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड दागता है। यानी जरूरत के हिसाब से ये दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। भारतीय सेना अब 155 मिलीमीटर के तोपों पर फोकस कर रही है, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है। इन तोपों के जरिए सिर्फ गोले ही नहीं, बल्कि प्रेसिशन, रॉकेट, ड्रोन्स भी दागे जा सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।